नेम है आपका? मेरा नाम जया है। कहाँ से आए हो आप? हम तेलंगाना से। तेलंगाना, हैदराबाद से आए हो। कि किस परेशानी को लेके आए हैं आप? सर, इसके कान के वजह से परेशान थे हम। एक बार मैं पहले से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, बट यहाँ वहाँ घूमे, कहीं भी इसका इलाज का ठिकाना ही नहीं मिला। तो हम फिर एनडी राव इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, तो वहाँ 100% ठीक होंगे ऐसे ही बताए। तो कॉलेज में थी, कॉलेज में सडनली उसको सुनाई बंद हुआ, गाय पर सुनाई नहीं है, मिडिल में ही। तो ऐसे हुआ तो हमने यहाँ वहाँ घुमा, बाद में एनडी राव में गए और वहाँ दिखाए, तो मैडम ने थोड़ा इन्फेक्शन है करके कहा, और लिफ्ट का उन्होंने थोड़ा सर्जरी करवाया, इन्फेक्शन निकाल दिया। बाद में मैडम ने कहा कि ये सर्जरी सिर्फ इन्फेक्शन के लिए, सुनने के लिए। तो बाद में ठीक ही था, बट पता नहीं फिर से महीने दो महीने में ही ऑटोमेटिकली कान ऑटोमेटिक बंद हुए, सुनाई नहीं दे रहा था और रोने लगी फिर से कॉलेज में। तो फिर से हम लेके आए और बाद में क्या हुआ करके मैडम के पास गए, तो मैडम ने कहा कि होगा, अच्छा ही होगा करके कुछ मेडिसिन दी, बाद में सुनाई दिया। ऐसे दो बार हुआ, बट थर्ड टाइम जब अभी एक महीने पहले थर्ड टाइम था तो चला गया, तो 15 डेज से सुनाई दे ही नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा। सिर्फ लिम्फो मेड से बात कर रही थी। तो फिर से हमने ये क्या करे, फिर से सर के मैडम के पास गए, तो फिर से ऑपरेशन या मशीन से यही बोलेंगे। पहले तो कहा मैडम ने कान तो ठीक है, अच्छे है इसके, पर इसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा इसलिए काम। और बाद में कहा कि इसका कॉलेज है तो आप मशीन ही ठीक रहेगा सर्जन में। तो हमने सोचा कि ये मशीन क्या है, तो हमने ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, तो सर का ये रिव्यूज सबने देखा वीडियोस, तो एक आशा लगी कि हमें यहाँ यहाँ हो सकता है। तो यूट्यूब देख कर ही हम यहाँ आ गए कोटा। यूट्यूब देख कर आप कोटा राजस्थान आए? सिर्फ आशा से आए। अच्छा। पहले तो हमने सर को कॉल किया था, सर ने अच्छे से ओके रिसीव किया और कहा कि पहले तो संभावना कम है, कहा सर ने रिपोर्ट देखकर, पर बाद में हमने बोला कि सर ऐसे लड़की है करके, तो आ जाओ करके कहा, 5 दिन का हम ट्रीटमेंट देखेंगे। बट 5 दिन नहीं आए, उसी दिन उसको फर्स्ट थेरेपी में उसको सुनाई दिया। हम बहुत हैप्पी है और अच्छा ही सुनाई दे रहा है अभी दूर से नजदीक से। तो बेटा आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? नहीं। अच्छा, कहाँ से हो आप? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से हो। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनको ये परेशानी, जिनके बच्चों को ये परेशानी है, बहुत सालों से परेशान है? मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर सबको लगता है कि आपको ओके पूछना है तो मुझे पूछे कि आप सही है कि नहीं है। सब लोग को डाउट रहता है, मेरे मुझे भी पहले था, पर किसी को नहीं पूछा, मैं डायरेक्ट आ गई। पर सबको कहती हूँ बिंदास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ होगा, जो नहीं होगा जो डॉक्टर कहते हैं वो सब संभव है यहाँ। सबको मैं यही करूँगी, और जो जो बच्चे ऐसे है सबके माँ बाप को यही है कि यहाँ आके रिलीफ मिलेगा और कहीं भी नहीं। आप यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में, आयुर्वेदिक न्यूरो रिसर्च सेंटर कोटा और यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर मनोज शर्मा सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज शर्मा और बाकी डॉक्टर भी एक्सलेंट है, अच्छे से रिसीव करते हैं, अच्छा लगता है। और आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा हमारा? ट्रीटमेंट तो एक्सलेंट है सर, फर्स्ट दिन में ही ऐसा लगना बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, और अच्छा लगेगा भी। और सर ने कहा कि 100% पूरी तरह ठीक हो जाएगी विदाउट मशीन, ये होप दिया है सर ने। विदाउट ऑपरेशन? हाँ, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट मशीन से ही सुनेगी वो, तो सर ने होप दिया है तो होगा। और सबको भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि सब लोग डाउट ना करें, आपको लगता है आपको बच्चों को प्रॉब्लम है तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और आ जाइए। आपका जो ये वीडियो है, जो हमने इंटरव्यू लिया है, ये हम हमारे वेबसाइट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाल सकते हैं, ताकि उससे क्या है कि सभी को अवेयरनेस होगी एक कहाँ कुछ इलाज बिना ऑपरेशन अपन करते हैं इस चीज़ का। ओके मैम, ओके, थैंक यू।